हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जयस ये रिहा के और खुद के टिफ़िन बॉक्स के साथ यहाँ खेल रहा था, तो मैंने इकट्ठा करके किचन में रखा होंगी। और ये देखिए, इसका बैग भी यहीं पड़ा है। मैं इसके ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सब उठाकर सही जगह पर रख दूँगी। और जो ये सोफ़ा कवर इसने बिखरा दिए हैं, इन्हें भी अच्छे से झाड़ कर बिछा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये सब काम तो चलते ही रहते हैं। कोई भी सोफे पर बैठकर जाता है तो इसके कवर बिखर जाते हैं, तो इसी तरह से बिछाते रहना पड़ता है। तो इस तरह से सब कुछ सेट करने के बाद अब मैं झाड़ू लगा दूंगी। अब मैं अपने बेडरूम में भी झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा लगाना था, लेकिन ये वॉश बेसिन मैं अब साफ करूंगी। पहले मैं ये बर्तनों की साबुन के साथ इस टोंटी को अच्छे से मांज दूंगी, क्योंकि ये भी गंदी हो जाती है और ये टुकड़ियों पर भी थोड़े साबुन वगैरह के छींटे लग जाते हैं, तो मैं इन्हें भी साबुन के साथ मांज दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, टोंटी तो पूरी तरह से चमक चुकी है। अब मैं इन टुकड़ियों पर भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें भी साफ कर दूंगी, इनकी भी साबुन उतर जाएगी। और अब मैं इसमें डालूंगी हार्पिक। हार्पिक के साथ फिर मैं इस वॉश बेसिन को मांजूंगी। और इस हार्पिक को ब्रश की हेल्प से मैं सारे फैला के अच्छे से साफ करूंगी। फ्रेंड्स मैंने सारे हार्पिक को पानी से साफ कर लिया है। इसका हार्पिक उतर चुका है और ये जो नीचे है इसके भी मिट्टी लग जाती है, तो मैं इसे भी पानी डालकर इसी तरह से धो दूंगी और ये भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अब मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि मैंने वॉश बेसिन को धो लिया है। जो वहाँ पानी गिरना था गिर चुका है, अब पोछे के साथ वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब मैं ऐसे डेली ही झाड़ू लगाती हूँ बाथरूम में, क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक ही दिन ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेली हम अगर इसमें झाड़ू लगाते रहें, तो मैं इसी तरह से डेली बाथरूम में झाड़ू लगाती रहती हूँ, जिससे कि मेरा बाथरूम क्लीन एंड क्लियर रहता है। चलो फ्रेंड्स ये काम भी हो गया है। अब देखते हैं कि किचन में क्या कुछ पेंडिंग है। ये देखिए, ये दूध की डोलियां धोनी बाकी थी, मैं इन्हें भी धो देती हूँ।
बाकी सभी बर्तनों को मैंने खाना खाने के बाद धो दिया था। ये देखिए यहाँ लगे पड़े हैं, बस यही बाकी थी क्योंकि ये अभी लेकर आए थे इसके पापा, तो मैं इन्हें भी मांज देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने साथ के साथ बाहर मशीन लगाई हुई है और कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। मैंने पहले डाला था पापा का कुर्ता पजामा, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है, अगर दूसरे कपड़ों के साथ डाल दिया जाए तो इसमें कलर चढ़ने का डर रहता है, इसलिए मैं इसे पहले स्पेशली अकेले ही घुमा देती हूँ। और इसे निकालने के बाद अब मैं बाकी के कपड़े लेकर आऊँगी जो मैं अब डालूँगी मशीन में। ये कुर्ता पजामा थोड़ा ज़्यादा मैला था तो मैं इसे बाद में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, काम तो यूं ही चलता रहता है, काम करते करते पता ही नहीं चलता कि क्या टाइम हो गया है। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है और अब मुझे खाने में बनानी है आलू के घोल की सब्जी, तो मैं उसके लिए आलू को धो लेती हूँ। और इस तरह से एक एक करके आलू को धोने से इन पर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहती है। और अब मैं इन्हें कुकर में डाल दूँगी। कुकर में डालने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और अब इसका ढक्कन बंद करके मैं इन्हें उबलने के लिए रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, जब तक आलू उबल रहे हैं मैंने प्याज को छील लिया है, इसे धोकर रख दिया है। और ये इसके पापा तरबूज लेकर आए थे जयेश के लिए, तो मैं इसे धोकर रख देती हूँ। और साथ में खीरे लेकर आए थे, मैं इन्हें भी वॉश करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आलू भी उबल चुके हैं। अब मैं इनका छिलका उतार कर इन्हें एक अलग बर्तन में रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।